पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कटघर क्षेत्र में निर्माणाधीन फैक्ट्री के अंदर युवती की हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपी युवती को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले गए थे। शराब पिलाने के बाद तीनों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने इसका विरोध किया और इशारे करके राज उजागर करने की चेतावनी दी तो आरोपियों ने सिर पर सरिये से वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद युवती का शव पानी के टैंक में फेंक कर तीनों फरार हो गए। एसपी सिटी अंकित मित्तल ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी विक्की, संजय और शीशपाल उर्फ पाले कटघर थाना क्षेत्र में मृतिका के गांव के ही रहने वाले हैं। हत्यारोपियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी है। तीनों हत्यारोपी मजदूर हैं। पुलिस का कहना है कि मंगलवार की सुबह तीनों आरोपियों को हनुमान मूर्ति तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। सीओ कटघर सुदेश गुप्ता ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर युवती की हत्या में इस्तेमाल की गई सरिया बरामद की गई है। तीनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास नहीं है। तीनों आरोपियों का चालान कर उनको न्यायालय ले जाया गया जहां से उनको जेल भेज दिया गया है। देखिए, दो दिन पहले एक अज्ञात महिला का शव जो है ग्राम कल्याणपुर के पास एक अर्धनिर्मित फैक्ट्री में जो बरामद हुआ। शव को तत्काल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर दी गई, परंतु शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। 24 तारीख को पूरी टीम जो है भरसक प्रयास करके सुबह इसकी जो शिनाख्त की गई और मृतका की जब पहचान हो गई तो उसके पुत्र की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये एक अज्ञात हत्या का केस था जिसको कि ब्लाइंड मर्डर के रूप में हमें दर्ज किया गया था और चुनौती के रूप में लेते हुए कटघर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में जो है इसका अनावरण कर दिया गया। तीन व्यक्ति अभी जो आपके सामने पेश किए गए उनके अरेस्टिंग की गई। तीनों व्यक्तियों ने अपने जो उनका इकबाल किया बताया है कि वो महिला गूंगी बहरी थी, वो उसे ले गए उस बंद व्यक्ति में, फिर वहाँ पर कुछ नशा किया और उसके बाद उसके साथ कुछ दुष्कर्म करने का प्रयास जिसका उसके द्वारा विरोध किया गया और बता देने के जब उसने कुछ संकेत दिए कि मैं जाकर किसी को बता दूंगा तो इस डर से उन्होंने सिर पर चोट मारकर उस महिला की हत्या कर दी और वहीं पास ही एक टंकी में उसे डाल दिया जिससे उसकी हत्या हुई।